अब बताइए क्या दिक्कत है आपके, क्या प्रॉब्लम आई? बिना हेलमेट के आपका चालान कटा? कितने रुपए का कटा था? 300 का। 300 रुपए का, ओके। 300 का मैं ऑनलाइन पैसा भी उसको डाल दिया सर जी, उसको पावती उसको। आपने ऑनलाइन जमा भी कर लिया, ऑनलाइन चालान कटा था जी, ऑनलाइन आपने जमा भी कर दिया उसको। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत सर जी, बिजली चालान को आ गया, फिर 1000 रुपया का फिर चालान, फिर से चालान आ गया। वही मतलब वो जमा नहीं हुआ था अच्छे तरीके से। पता नहीं कैसे सर जी, कैसे जमा हुआ नहीं? आपके हुआ? पास रसीद है जब जमा किए हो उसका? है सर। पक्का? पक्का। तो ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हो गया है, ये बाई मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपने चालान जमा किया है और रसीद प्राप्त की है, उसके बाद भी उससे संबंधित चालान आ गया है, तो इस संबंध में आप माननीय न्यायालय के समक्ष जब भी आपको बुलाया जाएगा या जब भी आपको मैसेज आता है उस पे आप पहुंच के और सारी बातें क्लियर करेंगे तो आपका चालान माफ हो जाएगा जो दूसरा हुआ है, बेवजह वाला, बाय मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि देखिए मानवीय त्रुटि है, कभी कभी इंसान से ही तो होते हैं, कंप्यूटर में भी वही फिलअप करते हैं, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो आप रसीद रखे रहिएगा उसको संभाल के, और जितने लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज, और कभी कभी ये भी हुआ है मेरे पास, कई कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के। आप कहाँ से रहने वाले हैं? डिंडोरी से। आप कहाँ जी? क्या शुभ नाम है आपका? राजन गुप्ता। आपका? सत्येंद्र बर्मन जी। तो ये हमारे मित्र ये मिलने आए थे डिंडोरी से, और बहुत खुशी होती है दोस्तों, बहुत उम्मीद के साथ आप बहुत भरोसे के साथ मुझे देखते हैं और मुझसे मिलने आते हैं। मैं आप सभी का सबसे पहले तो आभारी हूँ कि आप मिलने आते हैं, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के कोई घटना घटती है, आप मान लीजिए जयपुर कभी जीवन में नहीं गए, आप बीकानेर के हो, आप जयपुर नहीं गए कभी, और आपका चालान आ गया मैसेज कि जयपुर में आप इस चौराहे से गुजर रहे थे, आपने सिग्नल जंप कर दिया, ठीक है, या इस तरीके से आप अगर लखनऊ का चालान आ जाए, इलाहाबाद के हो आप, प्रयागराज के रहने वाले हो, और आपका लखनऊ का चालान आ जाए कि लखनऊ गए थे, इस तरीके का अगर कोई चालान आता है तो आपको जिस मैसेज से आता है, तो कभी कभी फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो हमको तो पहले तो ये जांच कर लेना है, ठीक है, government.nic ये होना चाहिए, gov.nic होना चाहिए परिवहन की कॉम पे, अगर उस पे है तो आप देख के चेक कर लीजिए, फिर अगर आप गए ही नहीं है तो निश्चित तौर पर वो फर्जी ही है, तो आप ज्यादा अगर दिक्कत होती है तो फिर आप माननीय न्यायालय या उस जो थाना लगता है वहाँ का ट्रैफिक थाना जो लगता है उस एरिया का, उस एरिया पे आप जाके बता सकते हैं कि भाई ये मेरा ऐसी फर्जी आ गया चालान, मैं तो गुजरा भी नहीं था, ठीक है, घबराना नहीं है, और चालान बेवजह नहीं जमा कर देना है कहीं के, जो जहाँ गलती की हो केवल वही का जुर्माना देना है और जुर्माने की रसीद प्राप्त कर लेना है। आप लोग राह चलते क्या होता है कि कोई पुलिस रोकी, आप रुके और वहाँ पर सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करके छूट भी सकते थे, लेकिन आपने 150 रुपए दिए और निकल गए, इससे आप बढ़ावा दे रहे हो। रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है, दोनों ही गलत है। तो हमको क्या करना है, अगर गलती कर दिए हैं तो जुर्माना कटाइए, वो जुर्माना सरकार के खाते में जाएगा, उसकी रसीद प्राप्त कीजिए, ठीक है, वो सही है सर। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान दें कि अगर कहीं चालान कटा है और आप कटवाए चालान, जुर्माना हो गया आपका, तो रसीद जरूर प्राप्त करें, और निश्चित तौर पर वो जो रसीद का पैसा रहेगा वो सरकार के खाते में जाएगा, उससे कुछ ना कुछ भला काम होगा, ठीक है, मेरी बात समझे? चलते ऐसे पैसे बांटना बंद कर दो, ठीक है ना, जब आप बांटना बंद कर दोगे तो वो लेना भी बंद कर देंगे। मानता हूँ बहुत बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़ी, जो मित्र मेरे भाई देख रहे हैं, वर्दी की बहुत ज्यादा कदर करते हैं लोग, कब, जब वर्दी साथ दे, जब वर्दी साथ दे, तो हमें साथी बनना है, है कि नहीं, ठीक है, जय हिंद दोस्त। आप माननीय न्यायालय के समक्ष जब भी आएगा प्रकरण तो कर दीजिएगा, आप घबराइए नहीं, वो रसीद रखे रहिए।